कौन? मैनेजर साहब, मैं हूं नर्स मार्था। मैं इस मासूम नन्ही बच्ची को आपके पास छोड़ने आई हूं। इसे आपके शेल्टर की जरूरत है। किसकी है बच्ची? क्या ये तुम्हारी है? ओ जी सर, नो मैनेजर साहब, नो। पर मैं इसे लेकर आई हूं तो आप मेरी ही समझिए। इसे जन्म देने वाली को इसे पालने में दिलचस्पी ही नहीं है। प्लीज मैनेजर साहब, इसे रख लीजिए ना, प्लीज। तुम्हारा कोई दुश्मन भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो आज भी वो दिन याद आ रहा है जब नर्स मार्था तुम्हें मेरे अनाथालय में लेकर आई थी। और आप उस अनाथालय के मैनेजर हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, रूबी मेरे ही अनाथालय में पली थी और मैं उससे मिलने आ रहा था, तभी मैंने डॉक्टर आकाश को यहां से निकलकर भागते हुए देखा। उनके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। अंदर आया तो रूबी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर आकाश को छोड़िएगा मत। आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर आकाश तिवारी हमारी हिरासत में है और आपकी हमें जरूरत पड़ेगी, हम जब भी बुलाएं आप पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश और है। रूबी यतीम जरूर थी लेकिन लावारिस नहीं है। उसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। ठीक है हवलदार, लाश का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। सौरभ, ब्रेकिंग न्यूज। शहर के मशहूर डॉक्टर आकाश तिवारी को कल रात पुलिस ने एक बियर बार में काम करने वाली रूबी नाम की लड़की के खून के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। माँ, अब खेल समाचार। मेरी हत्या की खबर सुनकर इतने हैरान हुए। मेरी हत्या की वजह तुम हो। रूबी, नहीं, क्या बात है बेटे, क्यों बुलाया मुझे? क्या हुआ बेटा? वो टीवी में न्यूज आ रही थी। क्या न्यूज आ रही थी? वो रूबी आई थी। रूबी आई थी? तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे तुझे तो बहुत पसीना भी आ रहा है। चल चल उधर बैठे, बैठ के बता मुझे क्या हुआ। तू बहुत घबराया हुआ लग रहा है, चल बैठ। ये ले पानी पी ले।
अब बता क्या बात है? माँ, डॉक्टर आकाश तिवारी खून के इल्जाम में पकड़ लिए गए। खून? किसका खून किया उन्होंने? वो उन्होंने रूबी का कत्ल कर दिया। कैसी बातें कर रहा है तू? अभी तो तू कह रहा था कि रूबी यहाँ आई थी। देखो माँ, मुझको प्रीति से मिलने जाना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ क्या हाल हो रहा होगा उन लोगों का। हाँ बेटा, मुझे तो चिंता प्रीति की माँ रागिनी तिवारी की है, जो एक सोशल वर्कर है और अब तो इलेक्शन में भी खड़ी होने वाली है। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजरती होगी। जाओ। अरे हटा यार, हटो प्लीज प्लीज। अरे रागिनी जी आ रही, हटो आप। हाँ मैं सब तैयार हूँ, प्लीज जरा जगह दीजिए, प्लीज एक मिनट। क्या हो रहा है? रागिनी जी, चुनाव करीब है और आपके पति खून के इल्जाम में बंद हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए उन पर सिर्फ एक इल्जाम है और जब तक जुर्म साबित ना हो जाए हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। मुझे भी इसके बारे में अभी पता चला है और अब कोई भी बयान मैं उनसे मिलने के बाद ही आपको दे सकती हूँ। रागिनी जी, हमने तो उड़ती खबर ये भी सुनी है कि आप उस लड़की रूबी को जानती थी। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगी। लेकिन मैडम, हमने तो यहाँ तक सुना है कि आप और आपके क्वेश्चंस प्लीज। आप लोगों को मौके की नजाकत देखनी चाहिए। यू शुड सी हर स्टेट ऑफ माइंड। रागिनी जी, मैंने एडवोकेट से अपॉइंटमेंट ले ली। नारंग जी, ये देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जरूर ऑपोजिशन वालों की चाल है, वरना डॉक्टर आकाश जैसा आदमी और खून का इल्जाम। नारंग जी, अभी आपने कहा कि ये विरोधी लोगों की चाल हो सकती है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? देखिए, इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपके सब सवालों का जवाब मिले। अब आप प्लीज मामा, 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 ये सब क्या हो गया? ये क्या सुना मैंने? कुछ नहीं सुना तूने प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। ओके, नमस्ते। अरे सौरभ बेटा, बेटा तू प्रीति का ध्यान रखना, हम एडवोकेट सेना से मिलकर आते हैं। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं प्रीति के साथ हूँ। ठीक है, चलिए नारंग जी। चलिए आइए। डोंट वरी प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता है सौरभ, मैं जानती हूँ रूबी को किसने मारा है। किसने मारा है? पापा ने। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे डॉक्टर आकाश ने नहीं मारा। नारंग जी, आपने एडवोकेट सिन्हा को पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहा है या नहीं? क्या तुम वाकई पुलिस स्टेशन जाना चाहती? मतलब आकाश खून के इल्जाम में पकड़ा गया है, मुझे वहां जाना चाहिए? मैं तो कहता हूं तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक प्रेस नोट रिलीज कर देना चाहिए, जहां तुम्हें कहना चाहिए कि जब तक कानून तुम्हारे हस्बैंड का फैसला नहीं कर देता तुम उनसे बिल्कुल नहीं मिलो, फिर देखना तुम्हें कितनी पब्लिसिटी। पर नारंग जी, ये देखो रंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किंतु परंतु लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मत किया। चलो यहां से हम पार्टी ऑफिस चलते हैं, जहां तुम प्रेस नोट रिलीज करोगी। ओके, ठीक है। वैसे भी रूबी का खूनी आकाश ही है। जी मिस्टर अग्रवाल,
नहीं नहीं, यू डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। हाँ, पेपर्स मुझे मिल गए थे और हमने फाइल भी कर दिए हैं। मेरे ख्याल से अगली तारीख मिलते ही फैसला भी हो जाना चाहिए। और फैसला हमारे हक में ही होगा जी। थैंक यू, थैंक यू। मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस समय मिसेज रागिनी तिवारी और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर मिस्टर नारंग ने आपको पुलिस स्टेशन में बुलवाया था। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे इस केस की पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप कौन है और आपका इस केस से क्या ताल्लुक है? मेरा इस केस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस केस में मेरा खून हुआ है। क्या कह रही हैं आप? अब जाइए यहां से। गुलाब। मैं सच कह रही हूं मिस्टर सिन्हा। मेरा नाम रूबी है। रूबी? क्या बात है सर? क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं, तुम जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैंने खून नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं। अगर आप इस बात से इनकार भी करेंगे तो भी हम अदालत में यह साबित कर देंगे कि खूनी आप हैं। हमने आपको रूबी के खून से सने हुए हाथ को धोते हुए पकड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, वो महज एक इत्तेफाक था। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने रूबी का खून नहीं किया है। देखिए डॉक्टर साहब, हम आपके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहते। हम आपको सोचने के लिए थोड़ी देर की मोहलत देते हैं। आप उस गिरी हुई लड़की के लिए जिसे पता नहीं आपने क्यों मारा। बस कीजिए, मैं कहता हूँ बस कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, रूबी गिरी हुई लड़की नहीं थी। वाह डॉक्टर साहब वाह, बार में नाचती थी लेकिन बड़ी शरीफ थी। खैर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक घंटे बाद फिर आऊंगा। अगर आपने इस बयान पर दस्तखत नहीं किए तो हमें मजबूरन आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा, समझे आप? डॉक्टर साहब, तुम? लेकिन तुम तो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है मेरी सोच जवाब देने लगी है। नहीं डॉक्टर साहब, आप जो देख रहे हैं वो सच है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं रूबी की आत्मा हूं और मैं यहां सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आई हूं कि यहां पर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको इस हवालात में नहीं रख सकती। मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी। एडवोकेट सिन्हा आपके केस की पैरवी करेंगे। लेकिन वो तो कुछ भी हो, मैं उसे मजबूर कर दूंगी। किसी और के गुनाह की सजा मैं आपको नहीं भुगतने दूंगी। रूबी,
गुलाब। क्या हुआ साहब? ये फाइल यहां किसने रखी? साहब मैंने तो नहीं रखी फाइल। तुमने नहीं रखी? ठीक है, मेरा बैग गाड़ी में रख दो। जी ठीक है साहब। नसरों का धोखा है। रूबी? हाँ रूबी, ये काम आपको करना पड़ेगा वकील साहब। तुम्हें क्या लगता है, एक मरी हुई औरत को देखकर मैं उसे सच मान लूंगा? इसी में आपकी भलाई है वकील साहब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है, ये नहीं हो सकता। जॉन कैसे चला रहे हो? पता नहीं साहब क्या हो रहा है। जॉन, जॉन, क्या कर रहे हो जॉन? एक्सीडेंट हो जाएगा। साहब मैं बराबर चला रहा हूँ साहब। जॉन गाड़ी रोको। अरे साहब रुक नहीं रही है साहब। गाड़ी रोको। नहीं रुक रही है साहब। व्हाट? जॉन, जॉन पहुंच। ओह माय गॉड, माय गॉड। क्यों वकील साहब, अब क्या इरादा है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। नहीं साहब, आप किससे बात कर रहे हो? मैं उससे बात कर रहा हूं जो तुम्हारे बगल में बैठी है। कोई भी तो नहीं है साहब। व्हाट? ये तो बैठी है तुम्हारे सामने। नहीं साहब, कोई भी नहीं है। साहब आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, लेकिन आज तो बाल बाल बचे। कोर्ट, ये काम आपको करना पड़ेगा वकील साहब।
हाँ शर्मा जी, सारे पब्लिसिटी मटेरियल्स, सारे बैनर्स, सारे फ्लैग्स, जी 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 सब, ये सारा जिम्मा आपका। रागिनी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है नारंग जी? रागिनी, तुम्हें पता है कि सिन्हा आकाश के जमानत के पेपर तैयार कर रहा है। क्या? पर हमने तो उसे इस केस की पैरवी करने से मना किया था ना। नहीं 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 नारंग जी, उसे मना करना होगा। ये नारंग साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं सिन्हा? तुम डॉक्टर आकाश की बेल पिटीशन मूव कर रहे हैं? जी। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि रागिनी के पॉलिटिकल करियर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। नारंग साहब, बुरा असर तो तब पड़ेगा अगर रागिनी जी अपने पति को छोड़ देंगी। हिंदुस्तान है, यहां पत्नी अपने पति को किसी भी हालत में छोड़ती नहीं है। क्या वो जमाना सिन्हा साहब, एक बात बताओ, ये काम तुम किसके कहने पे कर रहे हो? रूबी के। क्या रूबी के? क्या ये वही रूबी है जिसका खून डॉक्टर आकाश ने किया था? जी वही रूबी। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? देखो सेना, तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। देखो, हमसे नाराजगी मुंह लेकर तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, समझे तुम? क्या हुआ, नहीं माना? नहीं, मुझे लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करूं, नारंग की इस शहर में बड़ी धाक है और वो व्यापारी मंडल का प्रेसिडेंट है। सचमुच उसकी नाराजगी बहुत महंगी साबित हो सकती है। क्या सोच रहे हैं वकील साहब? यहां हो या ये मेरा वहम है? अब भी शक है आपको? वो कार के सर भूल गए क्या? अब भी ये सब भ्रम लगता है आपको? वो बेल पिटीशन वाली फाइल, उसे तो आप रद्दी की टोकरे में फेंक कर चले आए थे। उसे कार तक कौन लाया? मैं लाई हूं उसे। और अभी आपने नारंग से बात की, ये भी जानती हूं मैं। पर इस शहर में और भी बड़े वकील हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? उसकी एक ही वजह है, आप उस परिवार के वकील हैं। नहीं नहीं, मेरे पिता उस परिवार के वकील थे, मैंने तो बस कुछ साल पहले ही ज्वाइन किया है। तुम जानती हो रूबी, डॉक्टर तिवारी इस समय हवालात में है और उनकी बेटी प्रीति उनसे मिलने तक नहीं गई। वो इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वो मैं आपको बताती हूं। वो उस दिन की बात है जब डॉक्टर साहब मुझसे मिलकर जा रहे थे और मैं उनको दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो हमेशा मुझे प्यार से लिपटा लेते थे, लेकिन उस दिन संयोग से प्रीति के बॉयफ्रेंड ने हमें देख लिया। ये तो बड़ी भयानक बात है, डॉक्टर साहब जैसा एक नेक इंसान बुराई की इस दलदल में। ये क्या सौरव, मुझे इतना जल्दी बुलाकर खुद इतना लेट आ रहे हो? यार वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। As usual. अच्छा ठीक है, ये बताओ कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ तक बुलाया? प्रीति, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ।
अरे अभी बता भी दो। वो आज मैं, आखिर बात क्या है? वो आज मैं रिंग रोड से जा रहा था तो एक जगह मैंने तुम्हारे डैडी की कार खड़ी देखी। अरे पापा विजिट पर किसी को मिलने के लिए गए होंगे। मैं भी यही सोचकर वहां से जाने वाला था कि अचानक उस घर का दरवाजा खुला, एक 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 लड़की के साथ तुम्हारे डैडी बाहर आए। जानती हो वो लड़की कौन है? अरे बता भी दो अभी, कौन है वो लड़की? वो एक बार में डांस करती है, शी इज अ बार गर्ल। उसका नाम रूबी है। तो क्या हुआ सौरभ? मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और उनके लिए वो कोई बार गर्ल नहीं, एक पेशेंट है। प्रीति, कोई भी डॉक्टर अपनी यंग पेशेंट को यूं गले से नहीं लगाता जिस तरह से तुम्हारे पापा ने लगा कर रखा था। क्या? नहीं सौरभ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीति, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पापा की कितनी इज्जत करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज रात को तुम मेरे साथ चलकर वो नजारा खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है। देखा प्रीति, सच्चाई को तुमने अपनी आंखों से? हाँ सौरभ। सौरभ, अगर मामा को इस बात का जरा सा भी पता चल गया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? प्रीति, इससे पहले कि तुम्हारे मामा को इस बात का पता चले, हमें इस मामले को यहीं खत्म करना होगा। हाँ, मैं पापा से बात करूंगी। बेटा, पापा से आप किस बात से नाराज हैं? आप मुझे बताइए तो सही। बताओ बेटा, बताओ ना, ऐसे मैंने क्या किया है? उस शास्त्री नगर की चाल नंबर 32 में रहने वाली एक बार गर्ल से आपका क्या रिश्ता है? कहिए पापा, क्या रिश्ता है आप दोनों में, बताइए। रिश्ता? बेटा, तुम्हारे पापा एक डॉक्टर हैं, उनका कोई भी मरीज हो सकता है, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, कोई भी। हाँ, मानती हूँ पापा, लेकिन डॉक्टर अपने मरीज को और वो भी खासकर एक जवान लड़की को यूं अपने गले नहीं लगाता कि देखने वाले को शक हो। बेटा, तुम अपने पापा पे शक कर रही हो? हाँ, बल्कि शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो आप ही थे। प्रीति, बिहेव योरसेल्फ। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और इंसान प्यार में उसी मर्यादा को लांघने की कोशिश करे, ये मैं हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मामा, अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। आकाश, कौन है वो लड़की? रागिनी, यह सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूं। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती और बिना सबूत के कभी कोई बात नहीं करती। उसने तुम्हें शास्त्री नगर की चौल नंबर 32 से निकलते हुए देखा था और उस वक्त तुम जिस हालत में थे, अगर कोई और देख लेता तो बहुत बड़ी न्यूज हो सकती थी। और इस वक्त मेरे लिए कोई भी न्यूज बुरी न्यूज हो सकती है। तुम तो जानते हो चुनाव आने वाले हैं। अरे ऐसे में तो लोग एक दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछालने के बहाने ढूंढते हैं। अरे ऐसे में तो लोग सीता और सावित्री जैसी नारियों तक को नहीं बख्शते। समझते क्यों नहीं हो तुम? चल मैं क्या बताऊं तुम्हें, कौन है वो लड़की? रागिनी, इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात ही नहीं है। नहीं आकाश, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी।
जिसका असर मुझ पर या मेरे करियर पर पड़े। रूबी, 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 क्या कर रहे हो आकाश? अगर लोगों ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो लोग तुम्हें रूबी का कातिल समझेंगे। मैं तो कहता हूं भाग जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं कहता हूं चले जाओ वरना पकड़े जाओगे। मैं कहता हूं चले जाओ, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ आकाश, भाग जाओ यहां से। और वकील साहब, यही एक सबसे बड़ी वजह है कि प्रीति और डॉक्टर आकाश की पत्नी उन्हें कातिल समझती है। लेकिन डॉक्टर आकाश ने खून नहीं किया है। लेकिन वो कर सकते हैं। अगर वो जान जाएं कि उनकी बेटी जानती है कि उसका बाप एक बार में नाचने वाली लड़की के साथ फंसा हुआ है। वकील साहब, आप हमारे पवित्र रिश्ते को गंदा मत कीजिए। प्रेमी और प्रेमिका के बीच का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन तब नहीं जब प्रेमी शादीशुदा हो। यह एक शादीशुदा प्रेमी का रिश्ता नहीं है। तो फिर किसका है? वकील साहब, यह रिश्ता एक बाप और बेटी का है। मैं डॉक्टर आकाश की बेटी हूं। What? तुम डॉक्टर आकाश की बेटी हो? यह मैं कैसे मान लूं? आप मानिए या ना मानिए, डॉक्टर आकाश तो मानते हैं। इसका मतलब यह है कि मिसेज रागिनी के अलावा डॉक्टर आकाश की एक और बीवी है। नहीं। लेकिन डॉक्टर आकाश और रागिनी की तो एक ही बेटी है, प्रीति तिवारी। वकील साहब, आप डॉक्टर आकाश को कितने समय से जानते हैं? पिछले कुछ सालों से। दरअसल लीडर रागिनी तिवारी के केसेस पहले मेरे फादर देखा करते थे। मैंने उनसे टेक ओवर किया है। डॉक्टर आकाश की एक बहुत पुरानी नर्स थी, नर्स मार्था। एक दिन रात के 2 बजे, तूफानी रात थी वो, उसने आश्रय अनाथाश्रम का दरवाजा खटखटाया। कौन? मैनेजर साहब, मैं हूं नर्स मार्था। मैं इस मासूम नन्ही बच्ची को आपके पास छोड़ने आई हूं। इसे आपके शेल्टर की जरूरत है। किसकी है बच्ची? क्या ये तुम्हारी है? ओ जी सर,
नो मैनेजर साहब नो, पर मैं इसे लेकर आई हूं तो आप मेरे ही समझिए। इसे जन्म देने वाली को इसे पालने में दिलचस्पी ही नहीं है। प्लीज मैनेजर साहब इसे रख लीजिए ना, प्लीज। देखिए अगर मैं चाहती तो मैं चुपचाप इस बच्ची को आपके दरवाजे पर छोड़ के चली जाती, पर मैं इस बच्ची को जिंदा देखना चाहती हूं। मैं इसे नाता नहीं तोड़ रही हूं, मैं इसे यहां देखने आती रहूंगी मैनेजर साहब। मार्था, जब लोग बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? अब जन्म देने वालों की करनी का फल ये बच्ची सारी जिंदगी भुगतेगी। शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं। प्लीज मैनेजर साहब रख लीजिए इसे। थैंक यू मैनेजर, गॉड ब्लेस यू। और वकील साहब, जो नर्स मार्था ने किया वो तो एक माँ ही कर सकती है। माँ का प्यार ही तो दे रही थी वो मुझे। अनाथ आश्रम में रहते हुए भी उसने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अनाथ हूं। जिंदगी में जो कुछ भी कमाया उसने मुझ पर खर्च कर दिया। अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद वो मुझे अनाथ आश्रम से घर ले गई। वहां अनाथ आश्रम में वहां के मैनेजर मिस्टर माथुर ने मुझे पिता का बहुत प्यार दिया। वकील साहब, उस दिन मैं बहुत खुश थी जब मार्था ने पहली बार मुझे डॉक्टर आकाश से मिलवाया। डॉक्टर, मीट माय डॉटर रूबी। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाय रूबी। मिस्टर मार्था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपकी कोई बेटी भी है। मुझे तो लगा था कि आपने शादी ही नहीं की। नहीं डॉक्टर, ऐसे कोई बात नहीं है। दरअसल ये मेरी एडॉप्टेड डॉटर है। इसके जन्म लेने पर ही इसके जन्म देने वाले गुजर गए, तो मैंने इसे कलेजे से लगा लिया। डॉक्टर, रूबी ग्रेजुएट है, सिंगर है और बहुत अच्छी डांसर भी है, लेकिन इसके सिर पर आजकल एक नई धुन सवार है, ये नर्स बनना चाहती। डॉक्टर साहब, मैंने तो जब से आंखें खोली हैं बस इन्हें ही देखा है और मेरे लिए तो यही मेरी आइडियल है, इसीलिए मैं इन्हीं की तरह नर्स बनना चाहती हूँ। गुड। सिस्टर मार्था, इसमें बुराई क्या है? आपका काम तो सेवा और त्याग की एक मिसाल है। बेटी, आपको जो भी मदद चाहिए होगी ना, मैं आपको दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। वैसे ऐसा दर्द पहले भी कभी उठा था? मुझे भी आज ही पता चला है डॉक्टर साहब। वो किसी डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, उनके कुछ रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं। मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ जरा।
अभी दिखाती हूँ। ये रिपोर्ट्स। डॉक्टर सालगी, ये तो कैंसर के जाने माने सर्जन हैं। क्या? ओह माय गॉड, इन्हें तो आंतों का कैंसर है। क्या? नहीं। रूबी, धीरज रखो। डॉक्टर आप। मार्था, आप लेटे रहिए। मार्था, तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया, अपनी बेटी से। रूबी, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। नहीं मार्था, मैं इसके लिए तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर लुटा दी, क्या लगती थी मैं तुम्हारी? हाँ, और अगर कुछ लगती भी ना तो तुम मुझसे ये कभी नहीं छुपाती। तुम ये बात नहीं समझोगी बेटी, ये दर्द आज अचानक ही उठा है, नहीं तो मैं तुम्हें ये सब पता भी नहीं चलने देती। मार्था, ये क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर सालगिया मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मार्था और मिस्टर सिन्हा, मार्था को मेरे लिए जो भी करना था वो सब कुछ कर चुकी थी, अब मेरी बारी थी उसके लिए कुछ भी करने की। डॉक्टर आकाश ने डॉक्टर पत्रावाला को फोन तो कर दिया, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरी मां को किसी और की दया की जरूरत पड़े। और वकील साहब, ये वो जरूरत के दिन थे जब मुझे अपनी कला को बार में बेचना पड़ा, क्योंकि वही एक जगह है जहां से ज्यादा रुपए मिलते थे। मार्था का ऑपरेशन हो चुका था, उसे घर भी ले गए थे, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मार्था, रूबी। हाँ बोलो। रूबी। हाँ बोलो मार्था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब ठीक हो जाएगा मार्था। जा, जा डॉक्टर आकाश को बुला के ला। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी, क्या बात करनी है मार्था? मुझसे बहस मत कर, जाकर बुला के लाओ उसे। हाँ मार्था, मेरे पास वक्त नहीं। मैं फोन करती हूँ। अब मैं बचने वाली नहीं हूं। धीरज रखो मार्था। लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ। राज? कैसा राज मार्था? बताती हूँ, लेकिन उस राज को डॉक्टर आपको बड़ी शांति और धीरज से सुनना पड़ेगा। हाँ बोलो मार्था। और ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। हाँ बोलो ना मार्था, क्या बात है? डॉक्टर, ये रूबी मेरे पास किसी और की अमानत है, लेकिन मेरे मरने के बाद
इसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, इसलिए मजबूर होकर डॉक्टर मुझे ही राज बताना पड़ रहा है। याद है डॉक्टर, जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 2 साल के लिए अमेरिका गए थे। हाँ? और उस वक्त आपकी वाइफ रागिनी को इंडिया में रहना पड़ा था। हाँ, मुझे मालूम है। मिस्टर नारंग का उन दिनों भी आपकी फैमिली में बहुत आना जाना था। रागिनी सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी और उन्होंने नारंग को भी हेल्प करना शुरू कर दिया। उसी वक्त किसी वीक मोमेंट का फायदा उठाया नारंग ने और रागिनी प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर, रूबी वही बच्ची है डॉक्टर। जिसे रागिनी ने जन्म दिया था बड़े गुप्त रूप से। नारंग ने मेरी हेल्प से इस बच्ची को पैदा करवाया और जब रागिनी बेहोश थी तो इसे मरवा डालना चाहता था डॉक्टर, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई और इसे अनाथ आश्रम छोड़ाई मैं। अब डॉक्टर चाहे आप इससे नफरत करें, लेकिन इसमें रूबी का कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे प्रीति आपकी बेटी है, बस वैसे आप समझ लीजिए आपकी एक नहीं दो बेटियां हैं डॉक्टर। मार्था, ये हालात में इंसान ये बात सुनकर कोई भी गलत कदम उठाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जीवन देना मेरा काम है, लेना नहीं। मैं रागिनी को भी हालात का शिकार समझकर माफ करता हूं। आज से रूबी मेरी बेटी है। मार्था, मैं तुमसे वादा करता हूं कि रूबी भी मेरी बेटी जैसी रहेगी। इसे भी बेटियों जैसा प्यार दूंगा और इसका धूमधाम से ब्याह करके ससुराल भेज दूंगा। डॉक्टर, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। मार्था, तुमने जो भी रूबी के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम तो मार्था क्या हुआ? मार्था, 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 क्या हुआ? मार्था, 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 मार्था। मुझे ये सब सुनने के बाद डॉक्टर आकाश के बारे में एक बात तो समझ में आ गई कि वो नहायत ही नेक और शरीफ इंसान है और ऐसे इंसान को हवालात में नहीं होना चाहिए। नो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं जैसे ही कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करूंगा वैसे ही सरकारी वकील रागिनी तिवारी का प्रेस को दिया हुआ बयान
कोर्ट में दाखिल कर दी गई और वो बयान इस वक्त उनके ऑफिस के कंप्यूटर पे तैयार हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए वकील साहब, वो प्रेस नोट तैयार ही नहीं होगा। मैं रागिनी तिवारी पूरे समाचार जगत को यह बता देना चाहती हूं कि मेरे पति से जो अपराध हुआ है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सब कुछ अदालत और पुलिस पे छोड़ती हूं। अब मेरे पति की जिंदगी का फैसला अदालत ही करेगी। अगर उन्होंने यह जघन्य हत्या की है तो उसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। एक काम करो, इसका एक प्रिंट आउट निकालो। जी। ये लीजिए सर। ये तुमने क्या टाइप कर दिया है? क्या हुआ सर? पढ़ो इसे। तुमने तो रागिनी देवी का पूरा बयान ही उलट कर दिया है। तुमने ये टाइप किया है कि मेरे पति से कोई अपराध नहीं हुआ और उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। मगर सर मैंने तो। नारंग जी, क्या बात है नारंग जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? देखो क्या टाइप किया है इसने। मैंने इसे क्या टाइप करने के लिए कहा था और इसने क्या टाइप किया है। अगर ये प्रेस नोट आधे घंटे के अंदर अंदर अखबार के ऑफिस में नहीं पहुंचा तो कल को ये खबर अखबार में नहीं छपेगी। What is this? Sorry, madam. खैर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे टाइप कर देती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब क्या है? मुझे लगता है किसी ने शरारत की। कंप्यूटर बंद कर। अब ये प्रेस नोट का क्या होगा? फिकर मत करो, यू कम विद मी। हेलो। हेलो, देखिए मैं पीबी नारंग बोल रहा हूँ। जी कहिए। मुझे मिसेस रागिनी तिवारी की तरफ से एक बयान छपवाना है। हाँ मैं जानती हूँ। जानती हैं आप? क्या जानती हैं? यही कि डॉक्टर आकाश तिवारी निर्दोष है। कौन बोल रही हैं? रूबी। रूबी, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये नारंग जी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? माँ एक मिनट प्लीज। माँ हाँ, मैं जरा रागिनी आंटी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। हाँ बताओ कब आए तुम लोग? ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। क्या क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से तुम्हें गले लगाया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से तुम्हें गले लगाया। वो हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है इसलिए उसे गले से लगाती है। तो फिर बाप भी अपनी बेटी को प्यार से गले लगा सकता है? क्यों नहीं। तो फिर उस दिन तुमने डॉक्टर आकाश को जब मेरे साथ देखा तो उसमें तुम्हें कौन सी बुराई नजर आई? और तुमने जाकर प्रीति को बताया कि डॉक्टर आकाश का रिश्ता एक बार में डांस करने वाली लड़की से है,
अगर बाद में डांस करने वाली लड़की अपने पिता के सीने से लगती है तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हें क्या बुराई नजर आई इसमें? बाप, इसका मतलब है तुम डॉक्टर आकाश तिवारी की नाजायज औलाद नहीं हो, बल्कि मैं प्रीति की बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन? मैंने भी मिसेस तिवारी की कोख से जन्म लिया है, और अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो जाओ डॉक्टर आकाश से जाके ये बात पूछो, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देंगे। और अगर फिर तुम में हिम्मत है तो जाओ और प्रीति से ये सब बात बताओ। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अंकल, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटा, अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बात प्रीति के साथ पक्की हो चुकी है। अगर ये हालात ना हुए होते तो अब तक सगाई की रस्म भी अदा हो चुकी होती। लेकिन बेटा, ये बात प्रीति से मत कहना, उसे पता चलेगा ना तो उसे बहुत दुख होगा। नहीं अंकल, इन बातों से मेरे दिल में जो प्रीति के लिए प्यार है वो जरा भी कम नहीं होगा, बल्कि अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मुझे इस बात की जरा भी भनक लग गई होती तो मैं रूबी और प्रीति को मिला देता। वो दोनों सगी बहनें थी, पर दोनों की किस्मत कितनी अलग अलग थी। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं बेटा। अंकल, इसमें सारी गलती मेरी ही है। कभी कभी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं और उन बातों की तह में जाए बगैर ये फैसला कर लेते हैं, वो फैसला कितना गलत होता है। काश ये बात मैंने प्रीति को बताने की जगह आपको बताई होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काश के बाद तुमने मुझसे पूछी होती। लेकिन अब तो हालात ये है कि प्रीति मुझसे नफरत करती है, मैं हवालात में हूं और वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। वो तो मुझे रूबी का हत्यारा समझती है। अंकल, ये बात मेरी वजह से बिगड़ी है और इसे सुधारने की कोशिश भी मैं ही करूंगा। हाय सौरभ। अरे नारंग अंकल, आप, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ भाई, क्यों देखोगे? जवानी देखती कहाँ है, सिर्फ चलती है। नारंग अंकल, प्रीति से मिलने जा रहे हो? हाँ, प्रीति से ही मिलने जा रहा हूं, लेकिन सोचता हूं कि पहले आपसे ही बात कर लूं। कहो क्या बात है। आप रागनी आंटी के गुरु हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सच है। मुझे एक बात बतानी है, अगर आप इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सकें। कौन सी बात? वो बात यहां नहीं हो सकती। यहां नहीं हो सकती तो बाहर चलते हैं। हाँ, कम चलिए। ग्यारह बजने वाले हैं, सौरभ अभी तक नहीं आया। हेलो सौरभ। बेटी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। ओह, नमस्ते आंटी, क्या बात है? बेटा, सौरभ बोलकर गया था कि वो तुमसे मिलने जा रहा है, मगर अभी तक आया नहीं। मैं खाने पर कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। आंटी, सौरभ घर से कब निकला? यही कोई शाम के 5 बजे होंगे। उस वक्त तो मैं घर पे नहीं थी आंटी, मैं तो घर पे 9 बजे आई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं एक काम करती हूँ, अपने दोस्तों से कांटेक्ट करती हूँ, हो सकता है वो शायद वहीं पर हो। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है बेटा। सब बेकार है,
तुम्हारा सौरभ कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारा सौरभ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारा सौरभ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सौरभ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है? मैं रूबी। डरो मत प्रीति, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी बहन हूं। क्या तुम मेरी बहन? हाँ, मैं तुम्हें बहन मान तो सकती हूं, जैसे मैं डॉक्टर आकाश को अपना पिता समझती हूं। लेकिन तुमने क्या समझ लिया? मैंने क्या समझा? उस वक्त सौरभ भी तो मेरे साथ था। हाँ, वो सौरभ जो तुम्हें यहां पर सच्चाई बताने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें मिलने से पहले उसे कोई और मिल गया। सौरभ? लेकिन सौरभ को तो मैं ढूंढने जा रही हूं। चलो, मैं तुम्हें सौरभ के पास ले चलूं। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। प्रीति, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? वो रूबी यहां आई थी। रूबी? हाँ मम्मा, अभी यहाँ कमरे में थी। कहाँ है रूबी? नहीं है रूबी यहाँ पर। कहाँ है मम्मा? कहाँ है? वो यहीं पर थी अभी। तुम पागल हो गई है? रूबी मर चुकी है और तेरे पापा ने उसे मारा है। विश्वास करो मम्मा, मम्मा वो अभी यहीं पर थी और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी बहन है और पापा ने उसे बेटी माना है। ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, कुछ नहीं है ऐसा। मामा, बेटा रूबी मर चुकी है, ये तेरा वहम है, ओके? देख, बहुत रात हो चुकी है, अब तू जाके सो जा और मामा को एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है, ओके? नाउ गो एंड स्लीप। मैं कह रही हूँ ना, इनफ, गो एंड स्लीप नाउ। चलो, बी अ गुड गर्ल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मामा। बैठ क्यों गई प्रीति? तुम चलना नहीं है? तुम यहीं हो? हाँ, सोच रही थी तुम्हें मामा से पहले ही वहां पहुंचा दूं, लेकिन अब मामा के साथ साथ ही। मामा? लेकिन मामा तो मीटिंग के लिए गई हैं। नहीं, मामा भी वहां जा रही है जहां सौरभ है। चलो प्रीति, देर मत करो। प्रीति, अब मेरी बात का विश्वास हुआ तुम्हें? हाँ रूबी। और मम्मा? मम्मा की वो इंपॉर्टेंट मीटिंग अंदर हो रही है। नारंग जी, इतनी रात गए, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, रागिनी मार्था ने हमें चीट किया है। उसने कहा था कि उसने बच्ची को ठिकाने लगा दिया है,
लेकिन उसने बच्ची को अनाथाश्रम में रख दिया था। क्या? हाँ, और वही बच्ची रूबी थी। क्या रूबी मेरी बेटी थी? हाँ, मार्था ने मरने से पहले डॉक्टर आकाश को सब कुछ बता दिया था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शायद इसीलिए नफरत की आग में जलकर आकाश ने रूबी को मार डाला। हाँ रागिनी, अगर रूबी नहीं मरती तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही मर जाता और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाता। वो तो अभी होगा। कौन है? की निशानी, जिसे मार्था जैसी एक देवी ने एक नया जीवन दिया। मार्था ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। यह सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर आकाश ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और एक बाप का प्यार दिया। लेकिन आप सबने मिलकर उस पवित्र रिश्ते को एक घिनौना नाम दे दिया। और मामा, आप तो मेरी मां होने के बावजूद मुझे जन्म देकर मौत की सजा दे दी। मैं क्या करती, मुझसे भूल हो गई थी। लेकिन डॉक्टर आकाश ने अमेरिका में रहते हुए भी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया, जबकि आपने अपनी सारी मर्यादा की सीमाएं तोड़ डाली। आप तो मेरी मां थी, मुझे अपने साथ नहीं रख सकती थी, लेकिन कम से कम मार्था के जैसे किसी अनाथ आश्रम में तो रख सकती थी। और ये नारंग, मुझे जन्म देने वाला वैश्य राक्षस, इसने तो दो दो बार मेरी हत्या की। पहली बार जब मेरा जन्म हुआ था, इसने तो मुझे कहीं भी फेंक देने के लिए मार्था के हवाले कर दिया था। और दूसरी बार तक, जब इसने अंधेरी रात में मेरे सीने पर चाकू के छह छह बार वार किए थे। याद है नारंग? याद करो वो रात। ये सब तूने किया? हाँ, अगर ऐसे मौके पर लोगों को सच्चाई का पता चल जाता तो चुनाव से पहले तुम्हारी हार हो जाती। चुप स्वार्थी इंसान, ये सब तूने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया। मैंने तो तुझे अपना गुरु माना था, लेकिन तूने हर कदम पे मुझे गुमराह किया। नहीं, नहीं, अब और नहीं। अब तेरी सच्चाई पूरी दुनिया जानेगी। अरे मुझे तो मेरे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन तू भी नहीं बच पाएगा, सजा तुझे भी मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी नारंग। तुम जैसे लोगों की सच्चाई के बारे में समाज को जरूर मालूम होना चाहिए। बेटी, मुझे मत मार, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मुझे माफ कर दे।
मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। जन्म देने वाले बाप ने ही तो मेरी हत्या की है। मेरा बाप तो वो है जो इस वक्त हवालात में बंद है। अब तू मरेगा। नहीं, नहीं। और वो रिहा होंगे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो बेटी। बेटा, वैसे तो मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर फिर भी हो सके माफ कर दे मुझे। पापा, अब आप इस हवालात में नहीं रहेंगे। मेरी मां ने अपने प्रायश्चित के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है और मेरा कातिल नारंग, उसे अपने किए की सजा मिल गई है। पापा, अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं आप ही की बेटी बनकर आना चाहूंगी। इस जन्म में तो आपका भरपूर प्यार नहीं मिल पाया। मैं जा रही हूं पापा। रूबी,